अस्सलाम वालेकुम संगीत दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक ही। उम्मीद करना तुसा सारे की वीडियो पसंद आ रही हो सन। ते आज इस हस्ती ना मैं तारुफ पेश कर सा, बहुत बड़ा नाम मेरी मुराद बाबा रजा शाह सा। उन्होंने तारुफ शुरू करने से पहले एक निकी जी रिक्वेस्ट कि जिन्हें जिन्हें अले तक चैनल फॉलो नहीं किया वो जरूर फॉलो करन, अगर संगियां दोस्तों का भी शेयर करन, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचे। तो तारुफ शुरू करने हैं बाबा सैयद रजा शाह साहब। सैयद रजा शाह साहब 1920 ईस्वी में कृपा गांव ज़िला इस्लामाबाद में सादात घराने में पैदा हुए। ज़िक्र अहले बैत त्यौहार विरसे में पाया। आलम शबाब पे कदम रखते ही गांव में एक तसादम के नतीजे में 302 के मुकदमा के सिलसिला में जेल जाना पड़ा। बाद हज़ा सुलह हो गई और नतीजतन आबाई गांव छोड़कर मौजूदा मकाम गंगोटा सैदा आना पड़ा। जेल वापसी पर सैयद रजा शाह साहब एक मुख्तलिफ इंसान थे। कुदरत ने पुरसोद आवाज़ से नवाजा था। शेर खानी का शौक़ इलाका के मारूफ शेर खान बाबाए पटवार राजा खुशहाल खान के पास ले गया और फिर राजा साहब ने इस नगीने को खूब तराशा। देखते ही देखते बाबा रजा शाह साहब की शोहरत दूर दराज तक जा पहुंची। सामीन की एक कसीर तादाद के दिल में रजा शाह साहब ने अपना मुकाम बना लिया। अशआर की तशरीह और वजाहत करना बाद सामीन के नज़दीक रजा शाह ने शुरू की। बाद सामीन के नज़दीक फन शेरखानी में बाकायदा मजमून बंदी का आगाज़ भी रजा शाह ने किया। रजा शाह साहब ने राजा खुशहाल खान, काजी अब्दुल वाज, मास्टर यसीन, आजी आरफ, चौधरी अकरम गुजर, राजा आबुताफ मनकरा और उस्ताद रहम अली के साथ बड़े यादगार प्रोग्राम किए। साईं अहमद अली हरानी, साईं सिद्दीक, मास्टर निसार, सैयद गुलफाम शाह, जावेद खलील आसम रजा शाह के पसंदीदा शोरा थे। सामईन की कसीर तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि करबला जैसे रजा शाह ने पढ़ी इस तरह कोई शेरखान ना पढ़ सका। राजा खुशहाल खान ने कड़ा नवाज नंबरदार ला दिता, साकन गंगाल ने बरमला कहा। रजा शाह करबला पढ़ने के बादशाह थे। फ़ख्रे नसा मलका कन्नात जैनब मकतल गा मेरी वल औंदी जावी ओन असवर मोहम्मद तेरा राह तक दे कासम अकबर दे कोल खलौंदी जावी मेरी सोगरा दी वांग अमशीर प्यार कर कर वीर नू याद ते रौंदी जावी सदके जावा जावेद तेरी कैद तू जख्म नाने दे दीन दे तौंदी जावी। 21 मार्च 2014 को सैयद रजा शाह ने आखिरी प्रोग्राम किया और ऐलान किया, यूँ तो मैंने ज़िंदगी में अपना हर प्रोग्राम आखिरी समझ कर किया है, लेकिन मेरा ये आज का प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का वाकई आखिरी प्रोग्राम है। कुछ ही दिनों बाद 3 अप्रैल 2014 ईस्वी को आसमान शेरखानी का ये दरख्शान सितारा डूब गया। रजा शाह साहब ने अपने पीछे लखते जिगर सैयद इल्तजा रजा शाह, आसम सत्ती, साकन कामरा कोटी सतियाँ और मास्टर साबर साकन बाग जोगियों की सूरत में उभरते हुए शेरखान तलामदा छोड़े। सैयद रजा शाह साहब के एक साहबजादे सैयद आफ्ताब हुसैन शाह उम्दा कड़ा नवाज भी हैं। उस्ताद किंगा पटवार चौधरी अकरम गुजर अगर फखरे पटवार कहलाया तो इस 40 साल मेहनत का नतीजा है जो उस्तादुलअसातिज़ा उस्ताद रहम अली नुशाई ने इसके साथ की। ये बाबा रजा शाह साहब ने किसी ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये पढ़ा था। 40 साल उस्ताद के साथ गुजारे, खिदमत की, लेकिन अभी तक शेर की तकमील पर जैसी ई उस्ताद ने की मैं वो भी नहीं कह सकता। चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर
अगर 900 बार जन्म भी लूँ तो फिर भी उस्ताद रहम अली नुशाई तक नहीं पहुँच सकता। चौधरी अकरम गुज्जर।